हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित है, मैं द ट्रैवल बोट का टूर मैनेजर हूँ। आज आप सभी के साथ मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं बड़े दिन से हमारे से पूछ रहे थे कि यात्रा कब खुलेगी, कौन सी डेट फिक्स होने वाली है कि जब से यात्रा शुरू होगी और हम बाबा केदार, बद्रीधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन कर पाएंगे। तो उन सभी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कि आज हमारे नैनीताल हाई कोर्ट ने जो भी स्टे लगा रखा था यात्रा पे, वो हटा दिया गया है और यात्रा एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। जो भी ऑफिशियल सर्कुलर हैं वो सभी जगह पे सर्कुलेट हो जाएंगे और आप सभी यात्रा कर पाएंगे। और मेन जो है, अभी तक ये बताया गया है कि यमुनोत्री में एक दिन में 400 यात्री, गंगोत्री में आपका 600 यात्री, केदारनाथ में 800 यात्री और बद्रीनाथ में 1200 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए दो मेन जो जानकारी हैं वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी बीच में जब मैं ऋषिकेश में था तो जो भी यात्री आ रहे थे वो बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे कि उनके पास ई पास नहीं था, कोविड रिपोर्ट नहीं थी। वो पता नहीं किन लोगों की बातें सुन के या कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन देख के आ रहे थे। तो अपनी गवर्नमेंट साइट पे आप जाके चेक करिएगा और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। हमारे पास सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन होंगी एज़ पर द सर्कुलर, गवर्नमेंट सर्कुलर। जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो भी यात्री आएंगे उनके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैंडेटरी है, उसी के साथ साथ कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप यात्रा नहीं कर सकते और ना ही आप प्रयास करिएगा, क्योंकि फिर वही है, फिर वो चीज़ आपकी नहीं हो पाएंगी और आप आके वहाँ पे और चीज़ों से, जैसे कहते हैं कि सर पैसे दे के ऐसे कर दीजिए, वो कर दीजिए, इसमें नुकसान हमारा भी है, आपका भी है। इन सब कारण के कारण फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, जिस वजह से सभी को सर्वाइव करना पड़ता है। वैसे भी अभी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे दोबारा से ग्रो अप हो रही है और दोबारा से काम शुरू होगा। होपफुली आप सभी की हेल्प के थ्रू आप सभी दोबारा यात्रा अच्छे से कर पाएंगे। राफ्टिंग भी खुलने वाली है कुछ दिनों में और आपका क्या बोलते हैं, यात्रा का तो ऑर्डर आ ही गया है। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और हमारी वेबसाइट है www.thetravelboat.com, आप सभी जानते हैं। और अपने जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी यात्रा के लिए इच्छुक हैं जिनके डबल डोज लग चुकी हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अगर यात्रा करना चाहते हैं तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पास अप्लाई करके, जो भी पर डे की अगर आपको स्लॉट मिलता है तो आप यात्रा का दर्शन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, उन सभी पे हमारे नंबर हैं, हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल है। दिल्ली, ऋषिकेश में हमारा दोनों जगह से जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी धन्यवाद, कोई भी जो अपडेट्स वगैरह कुछ भी आती हैं तो वो मैं इसी तरह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।